और ऐसा आज के समय पर हो, इससे ज़्यादा दुखद की बात और कोई हो नहीं सकती। और बेटियों के साथ घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अगर अलीगढ़ में घटना हुई, देश और दुनिया के लोग जागरूक हो गए। मुंबई में जो कलाकार हैं वो भी सामने आ गए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आगे आईं। लेकिन अभी अलीगढ़ की घटना दबी नहीं थी, हमीरपुर में वैसी की वैसी एक घटना बेटी के साथ हो गई। आपके कौसाम्बी में घटना हुई बेटियों के साथ, एक बेटी मेरठ में जिंदा जला दी गई। आखिरकार सरकार कर क्या रही है, सरकार क्या सोचती है? सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था बची नहीं है। बताओ, जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और बड़े बड़े दावे सरकार करती थी। अभी अलीगढ़ की बात ख़त्म नहीं हुई है, हमीरपुर में घटना हो गई। अब हमीरपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके लिए दोषी कौन है? हम तो इन शराब पीड़ितों से, लोगों से मिलने आए जिनकी जान गई, परिवारों की। हमीरपुर में लोग पार्टी के पहुंचेंगे, मदद करेंगे उन परिवारों की, लेकिन आखिरकार जान जा रही है बेटियों के साथ? ये कहाँ का सभ्य समाज, ये कहाँ का हमारा नया भारत है? क्या यही नया भारत है जहाँ पर बेटियों की जान चली जाएगी, बेटियों की इज्जत छीन ले जाएगी?